हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता टुडे वी विल डिस्कस एल मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकली मेथड ओके नाउ वी find a solution of a pair of linear equation in two variable by algebraic method okay we have three types of algebraic method today we discuss substitute तो so, हम सीखते हैं कैसे करना है तो so, substitution method में क्या करना होता है हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी इन टू वेरिएबल हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन अनदर वेरिएबल फाइंड कर लेंगे ठीक है जब हमारे पास किसी एक वेरिएबल की किसी भी वेरिएबल की चाहे आप एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लीजिए या वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लीजिए उसके बाद आप उस वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी किसी और इक्वेशन में जो आपके पास गिवन इक्वेशन है और उससे हमें क्या मिल जाएगा हमारी इक्वेशन किसी एक वेरिएबल में ही रिड्यूस हो जाएगी तो उसे सॉल्व करना इजी है ठीक है तो उससे हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो ये सब्सिट्यूशन मेथड है हम इसे क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके पास सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्सटी मेथड बाय बायूशन मेथड लीनियर इक्वेशन क्या है सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू और एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री ठीक है तो हम क्या करेंगे दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास एक को आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लीजिए दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इज x प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री दिस इज योर सेकंड इक्वेशन तो जहां से भी कन्वीनियंट लगे हम उन दोनों लीनियर इक्वेशन को देखते हुए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन अनदर वेरिएबल फाइंड कर लेंगे आई टेक equation second from equation second we get we have x plus 2y is equal to 3 can we write x is equal to 3 minus 2y ठीक है x की वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली तो इसे मैं क्या कर लूंगी इक्वेशन थर्ड अब हम इस इक्वेशन को एक्स की वैल्यू को किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी किसी एक ही वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो जाएगी तो मैं पुट करती हूँ पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट ओके देन वी हैव सेवन इंटू थ्री माइनस टू वाई एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी एक्स में माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू और ये क्या बन जाएगा ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन वाई माइनस फिफ्टीन वाई इज इक्वल टू टू और ये क्या बन जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन वाई इज इक्वल टू टू और टू को हम इधर ला सकते हैं और ट्वेंटी नाइन वाई को मैं राइट हैंड साइड पर ले गई तो ये क्या बन जाएगा नाइनटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन वाई ट मीन्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन ओके अब हमें वाई की वैल्यू मिल गई तो हम इक्वेशन थर्ड में अगर पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी ठीक है इसे भी कुछ नाम दे दीजिए फोर्थ इक्वेशन पुट इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड वो इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू थ्री माइनस टू वाई तो x इज इक्वल टू थ्री माइनस वाई क्या है आपके पास नाइनटीन अपॉइंट ट्वेंटी नाइन दैट मीन्स थर्टी एट अपॉइंट ट्वेंटी नाइन हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं दैट मीन्स क्या आ गया आपके पास फोर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी नाइन तो x की वैल्यू हमें मिलगी फोर्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी नाइन एंड y की वैल्यू मिलगी नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी नाइन तो ये हमें सोल्यूशन मिल गया वेरीफाई करने के लिए हम x और y की वैल्यू को अपनी लीनियर इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं ठीक है लीनियर इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी ठीक है ये आप चेक कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा okay? सोल्यूशन है दिस इज दल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन ओके ऐसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं एक और टेक अनदर क्वेश्चन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन दिस माइनस अंडर रुट एट वाई इज इक्वल टू जीरो सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम वैसे ही करेंगे सोल्यूशन निकालने के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट पोज कर लेंगे ये इक्वेशन सेकेंड ठीक है किसी भी एक इक्वेशन से आप एक्स वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लीजिए डिस्पोज करती हूँ इक्वेशन वन लेट्स टेक इक्वेशन वन दिस देन वी गेट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर उड थ्री वाई देन एक्स क्या आ जाएगा आपके बस माइनस अंडर उड थ्री अपॉन अंडर उड टू वाई ठीक है ये इक्वेशन थर्ड सपोज कर गुड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड अब जिस भी इक्वेशन से वैल्यू निकालो तो उस वैल्यू को अनदर लिंग इक्वेशन में आपको पुट करना है तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरोस ये क्या बन गया आपके पास माइनस अंडर रूट थ्री अंडर थ्री इज इक्वल अंडर रूट थ्री होल स्क्र अंडर रूट टू वाई माइनस अंडर रूट एट वाई तो रूट से स्क्वेयर कैंसल तो दैट मीन्स थ्री माइनस अंडर रुट टू वाई माइनस अंडर रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो और इसे कैसे लिख सकते हैं वाई कॉमन निकाल सकते हैं ठीक है वाई कॉमन यहां पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा सॉरी अंडर रूट एट है यहां पर तो अंडर रूट एट इंटू अंडर रूट टू वाई इक्वल टू जीरो और इसे कैसे लिख सकते हैं अंडर रुट सिक्सटीन अपॉन अंडर रुट टू वाई इज इक्वल टू जीरो और कैसे लिख सकते हैं इसे माइनस थ्री सिक्सटीन का अंडर रूट क्या होता है फोर और ये क्या बन जाएगा माइनस सेवन अंडर टू वाई इज इक्वल टू जीरो यहां से हमें क्या मिल गया अगर आप क्रोस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही आएगा तो यहां से हमें वाई की वैल्यू जीरो मिल गई ठीक है तो वाई की वैल्यू जीरो हमें मिल गई तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जब हम तो एक्स की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी समथिंग इन टू जीरो जीरो तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू भी जीरो मिल गई तो यानी सोल्यूशन क्या आया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन थ्री एक्स माइनस एट वाई इज इक्वल टू जीरो तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे अब हम कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय एटीन डिग्री फाइंड देम तो यहां पर टू सप्लीमेंटरी एंगल्स हैं एक लार्जर है एक स्मॉलर है ठीक है तो हम पहले सपोज कर लेते हैं लेट दी लार्जर सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स ठीक है ना एक्स एंड दी स्मॉलेस्ट सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू वाई ठीक है एक हमने लार्जेस्ट स्पोज कर लिया एंगल और एक स्मॉलेस्ट स्पोज कर लिया अब आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री दो एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री तभी होंगे जब इनका टोटल एंगल 180 डिग्री आ जाए तो इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं सप्ली मेंट्री एंगल अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो ये क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ओके तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो यानी दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो एक इक्वेशन तो हमें मिल गई टू सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन एटी होना चाहिए ये वन इक्वेशन आपको मिल गई दूसरा वो क्या कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड है द स्मॉलर बाय एटीन डिग्री लार्जर एंगल एक्सीड का मतलब ज्यादा स्मॉलर से कितना एटीन डिग्री तो स्मॉलर एंगल से कितना है 18 डिग्री तो ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई यहां पर x की वैल्यू ऑटोमेटिकली इन टर्म्स ऑफ y है तो हमें इसे रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन वन ओके तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वन एटी रिड्यूस इन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे अब इसमें वाई प्लस एटीन डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू वन एटी दैट मीन्स टू वाई इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस एटीन दैट मीन्स टू वाई इज इक्वल टू वन सिक्सटी टू डिग्री डैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एटी वन डिग्री हमें मिल गया वाई अगर एटी वन डिग्री है तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी देन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एटीन डिग्री इज इक्वल टू एटी वन डिग्री प्लस एटीन डिग्री दैट मीन्स नाइन्टी नाइन तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गई लार्जर एंगल हैंस दार्जर एंगल इज इक्वल टू नाइन्टी नाइन एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू एटी वन डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्जिस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्सड चार्ज टू गैदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड अगर हम टैक्सी बुक कर रहे हैं तो उसका तो एक फिक्स चार्ज पहले फिक्स है मतलब टैक्सी वाले ने एक फिक्स चार्ज तो लेना ही लेना है उसके साथ साथ वो क्या ले रहा है जितना भी हमें डिस्टेंस कवर करना है उसका चार्ज अलग से है ठीक है तो वो कह रहा है कि अगर फोर ए डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर अगर हम दस किलोमीटर तक जा रहे हैं तो उसका टोटल चार्ज क्या बना वन हंड्रेड फाइव जिसमें फिक्स चार्ज भी है हमारा और हमने दस किलोमीटर जो कवर किया है वो भी है तो टोटल हमारा वन हंड्रेड फाइव बना दस किलोमीटर जाने का और अगर हम पंद्रह किलोमीटर तक जा रहे हैं तो हमारा टोटल चार्ज बना वन फिफ्टी फाइव मतलब उसमें फिक्स चार्ज भी है एंड पंद्रह किलोमीटर का भी चार्ज उसने कर लिया है टोटल हमें दिया है वन फिफ्टी फाइव तो हमें क्या निकालना है हमें नहीं पता कि फिक्स चार्ज उस टैक्सी का कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है हमें टोटल गिवन है कि दस किलोमीटर तक अगर हम जा रहे हैं तो उसका टोटल वन हंड्रेड फाइव है एंड पंद्रह किलोमीटर तक हम जा रहे हैं तो उसका चार्ज वन फिफ्टी फाइव है हमें फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं किसी एक चीज को एक्सपोज कर लेते हैं और किसी एक को वाई दैट मीनस फिक्स चार्ज लेट फिक्स चार्ज ज इक्वल टू रूपीज एक्स एंडलेट चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रूपीज वाई ठीक है हमने फिक्स चार्ज हमने एक्सपोज कर लिया और चार्ज पर किलोमीटर वाई एक्सपोज कर लिया अब गिवन क्या है अगर हम 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कर रहे हैं कवर तो टोटल रूपीज कितना पे करना है हमें 100 हंड्रेड फाइव ठीक है तो क्या किया टैक्सी वाले ने फिक्स चार्ज तो ले ही लिया साथ में दस किलोमीटर हमने कवर किया उसके रुपीस इतने वाई कुछ भी होगा तो हमें तो दस किलोमीटर के हिसाब से देने हैं दस वाई टेन बाय बन गया तो वो टोटल कितना बना वन हंड्रेड फाइव तो एक इक्वेशन बन गई हमारी ऐसे ही अगर हमें पंद्रह किलोमीटर कवर करना है तो टोटल चार्ज कितना है वन फिफ्टी फाइव दैट मीन्स फिक्स चार्ज तो हमने देना ही देना है साथ में पंद्रह किलोमीटर का भी जितना भी चार्ज बनेगा तो वो टोटल कितना है वन फिफ्टी फाइव तो हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है दो लीनियर इक्वेशन हमारी बन गई तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल लेते हैं सपोज मैं सेकंड से निकाल रही हूं लेट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट एक्स इज इक्वल टू वन फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टीन वाई ठीक है पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन पुट दैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन देन वी गेट क्या बन जाएगा हमारा 105. फाइव तो यहां से क्या बन जाएगा 155 minus 5Y is equal to 105. और क्या बन जाएगा माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू वन हंड्रेड फाइव माइनस माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी और वाई क्या आ जाएगा टेन वाई क्या आ गया आपके पास टेन जब हमें वाई की वैल्यू मिल गई तो हम यहां एक्स वैल्यू में पुट करके एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट एक्स इज इक्वल टू वन फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टीन इन टू टेन दैट मीन्स वन फिफ्टी फाइव माइनस वन फिफ्टी दैट मीन्स फाइव तो एक्स की हमें क्या वैल्यू मिल गई फाइव एंड वाई की क्या मिल गई टेंथ दैट मीन्स फिक्स चार्ज बाय टैक्सी इज इक्वल टू रूपीज फाइव एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रूपीज टेन अब हमारा ये क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हो रहा उसके बाद उसने क्या पूछा है हाउ मच ड ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर तो एक पर्सन ट्वेंटी फाइव किलोमीटर कवर करने के लिए कितने रुपीज देगा टैक्सी वाले को तो हम कैसे निकालेंगे फोर कवर फोर कवर ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर इज इक्वल टू क्या बनेगा फिक्स चार्ज प्लस ट्वेंटी फाइव किलोमीटर का ट्वेंटी फाइव इंटू वाई हमने जैसे पीछे किया था ठीक है ना फिक्स चार्ज देना पड़ेगा उसको और ट्वेंटी फाइव किलोमीटर का उसे पर किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा ठीक है तो ये कैसे बन जाएगा टोटल फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू टेन तो ये क्या बन जाएगा फाइव प्लस टू फिफ्टी दैट मीन्स टू फिफ्टी फाइव तो इसे कितने देना पड़ा एक पर्सन को ट्वेंटी फाइव किलोमीटर कवर करने के लिए रुपीज ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव तो ये आपका सोल्यूशन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव इयर्स हैंस एज ऑफ be विल बी थ्री टाइम्स दैट son. सन फाइव ago, एगो age एज seven सेवन टाइम्स दैट his सन वट आर देअर प्रेजेंट ages? हमें पांच साल बाद की एज बताई गई है जेकॉब एंड उसके बेटे की और पांच साल पहले की बताई गई है ठीक है बट हमें एक्चुअल एज नहीं पता कि प्रेजेंटली उनकी एज कितनी है तो हमें वो एज सपोज करनी पड़ेगी लेट जैकॉब एज इज इक्वल टू एक्स इयर्स एंड जेकॉब सन एज इज इक्वल टू वाई इयर्स ओल्ड ओके एंड फाइव इयर्स हेंस मतलब पांच साल के बाद जैकॉब की एज क्या होगी फाइव इयर्स एंड जेकॉब एज क्या हो जाएगी पांच साल उसके बढ़ जाएंगे एज में ठीक है और उसके सन के भी एज में पांच साल बढ़ जाएंगे ओके तो यहां से क्या कह रहा है वो फाइव ईयर्स एंस द एज ऑफ जेकऑब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन मतलब जो जेकऑब की एज होगी वो कितनी हो जाएगी थ्री टाइम्स ऑफ इज सन के तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई ठीक है और अब क्या कह रहा है वो फाइव इयर्स एगो मतलब पांच साल पहले पांच साल पहले मतलब फाइव इयर्स एगो जेकॉब एज कितनी होगी पांच साल पहले तो उसकी उसकी एक्चुअल प्रेजेंट एज में से फाइव माइनस करने पड़ेंगे ठीक है और सन एज उसकी एज में से भी पांच माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि पांच साल पहले की बात हो रही है तो फाइव इयर्स एगो गो एज वाज सेवन टाइम्स दैट ऑफ इज सन क्या है जेकॉब की एज सेवन टाइम्स थी उसके सन की एज से तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं दैट मीन्स एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू ओ माइनस थर्टी ये आपके पास क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन तो दो लीनियर इक्वेशन हमें मिल गई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x एंड y निकाल सकते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए तो मैं फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा टेन प्लस थ्री वाई ठीक है टेन प्लस थ्री वाई ये बन गया तो पुट इक्वेशन या पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स जैसे भी लिख सकते हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट क्या बन जाएगा एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी ये थी ना सेकेंड इक्वेशन एक्स की वैल्यू हमने डाल दी इसमें तो ये क्या बन जाएगा टेन माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी और माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस थर्टी माइनस टेन माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी एंड वाई इज इक्वल टू टेन तो अगर हमें y की वैल्यू मिल गई तो हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ठीक है देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट x इज इक्वल टू टेन प्लस थ्री इंटू टेन वाई की वैल्यू हमने इसमें डाल दी तो ये क्या बन जाएगा टेन प्लस थर्टी दैट मीन्स फोर्टी तो जेकॉब की एज कितनी है दे आर फोर जेकॉब एज इज इक्वल टू फोर्टी ईयर्स ओल्ड एंड ही सन एज इज इक्वल टू टेन ईयर्स ओल्ड तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया